कांग्रेस के लिए फिर एक बार नवजोत सिंह सिद्धू सरदर्द बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अब सिद्धू ने बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा चुनावों से दूरी बनाकर आईपीएल का रुख कर चुके सिद्धू फिर से राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं, और वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और अब कांग्रेस की सरदर्दी फिर से बढ़ने वाली है। असल में पटियाला में गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर बैठक हुई थी, और इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके गुट के नेताओं ने बड़ा फैसला लिया है, और फैसला ये कि लोकसभा चुनाव में वो ना तो कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और ना ही किसी भी कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ चलेंगे। इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह दुल्लो, पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया, जगदेव सिंह कमालू, महेश इंद्र सिंह और बठिंडा देहाती के कांग्रेस इंचार्ज हरबिंदर लाडी समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस के एकदम उलट चलने के आरोपों के बाद एक बार फिर से सिद्धू एक्टिव हो चुके हैं, और अब सिद्धू गुट की बैठक में तय हुआ है कि सिद्धू गुट का कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में तब तक चुनाव प्रचार नहीं करेगा जब तक कांग्रेस आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा नहीं करती। पार्टी से निकाले गए सिद्धू गुट के नेताओं को फिर से कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस बैठक से एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस ऑल की स्थिति बन चुकी है। आपको बताएं कि सिद्धू के घर हुई इस बैठक में तय हुआ है कि जब पार्टी को जरूरत होती है तो उनको नवजोत सिंह सिद्धू की याद आती है, लेकिन चुनाव के बाद उनको अनदेखा किया जाता है। पार्टी ने जिस समय लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी तय किए थे उस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू से कोई चर्चा नहीं की गई, और अब चुनाव प्रसार के लिए उम्मीदवार सिद्धू से संपर्क साध रहे हैं और प्रचार के लिए रैलियां करने का निवेदन कर रहे हैं। सिद्धू खेमे का कहना है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी को मजबूती देने के लिए पूरे पंजाब में रैलियां कर रहे थे तब सिद्धू की रैलियां आयोजित कराने वाले कई नेताओं को बेवजह पार्टी से निकाल दिया गया। मीटिंग में तय हुआ कि सिद्धू गुट का कोई भी नेता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में तब तक प्रचार नहीं करेगा जब तक कांग्रेस आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा नहीं करती और पार्टी से निकाले गए सिद्धू गुट के नेताओं को फिर से कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाता। सिद्धू हमेशा दावा करते आए हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रति वो प्रतिबद्ध हैं और उन्हें वो कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सिद्धू की पंजाब में कांग्रेस के प्रति बगावत कहीं राहुल और प्रियंका को सिद्धू का साथ छोड़ने पर मजबूर न कर दे। आप सिद्धू को राजनीति में भाषणबाजी करते देखना पसंद करते हैं या सिद्धू आपको कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेट के लिए कमेंट्री करते अच्छे लगते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हर मुख्य खबर को जल्द से जल्द जानने के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।